सियासी एजेंडे में बने और आखिरी वक्त तक पीपल्स पार्टी नाल बूथ से गए। ये मेरा है खानदानी पास मंजर, लेकिन मैं इससे बहसियत एक सहाबी तहरीक के कारकों के नुमाइंदे की हैसियत नाल खड़ा और मैं हुंदी नुमाइंदगी कर सकता कि दोस्तों ये कोई शक नहीं कि पीपल्स पार्टी नाल शॉर्ट पर्सन है और तवक्कात भी उनके नाल वाबस्ता होंगी, बोझ भी उठाई होंगी, लोझ भी उठाई होंगी, जितने जितनी होश में उतनी उतनी लोझ भी होंगी। अगर पीपल्स पार्टी को ही सब कुछ बन गए तो बल सही ताज लगा से क्यों सराय की पार्टी की बुनियाद रखी, बल क्यों सराय की जमानत का वजूद है इस तहरीक का, सब पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन गए, पीपल्स पार्टी जी बुटो के नारे ले रहे तो सुबह बन वैसी नहीं। मैं समझता कि जब तक सराय की तहरीक के कौन कारकुन अपना अलग वजन अपना अलग वेट पार्लियामानी जमातों को शो न करे सन, अपनी अलग जुदा जाना हसीयत शो न करे सन, उस वक्त तक तुषा ये तवक्कात रखना बिल्कुल समझदा के अपनी काम की आ रही है आप दुनिया जरावर निकाल है कि कोई पार्लियामानी जमात की तरजीह हो सके। गिलानी साहब की इंडिविजुअल तरजीह थी सकती है, सॉफ्ट कॉर्नर थी सकती है, और अली हैदर गिलानी साहब को भी यह गाल की थी कि गिलानी साहब तुम्हारे नाल जरा सॉफ्ट कॉर्नर है तो ये अमन को सब वेलकम कीते तो हस्ते रिवायत अदरक पवाई वो अदरक ना आसा भुट्टो को पवाई और मैं कह जिकाल असारी रिवायत के मुताबिक का सब बिस्मिल्लाह वेलकम, लेकिन सारे नाल सारी वो हरीफ जमात जे सारे दे गुज़िश्ता दौर मुकदमा कीते बगावत दे मुकदमा असा सारे कारकुन फेस कीते जिला फेस कीते असा मुज़म्मत कीती है असा उन्हें नाल पाई दे के सियासी नाल वो उठे बैठ के और दूसरे सूबे दा शोषण छोड़े। अगर मरियम नवाज दूसरे सूबे दी गल करे सी ते असा को कैंडा नु करे सो। अगर दूजी चीज असा वायद अपना ने काती एजेंडा ए रखा कि ठीक है तोरे आए तो वेलकम जमहूरी अमल है असा को इंदा हिस्सा बढ़न ते बिल्कुल नफी कोई नहीं, लेकिन सारी शान को सी कि सारी मौजूदगी अगर बिलावल भुट्टो के स्पीच करे सी तो सारी मौजूदगी कम से कम दूसरा सागर ने इंश्योर करो कि उस रेगिस्तान ना आके कम से कम वसीयत का लफ्ज इस्तेमाल करे। अली हैदर आका के मैं तो को इस काल की शॉर्टी खेल के जैसा हवाले से अंदर और अंदर डिस्कस करके बिलावल ना मैं ना पाका के जेल दूसरा जनाब इस की शॉर्टी दसो असा अपने मौके का ऐलान करे सो और उसके बाद उन्होंने रابطہ किया है तो त्यौहार के बाद मामला कोई थोड़े से गलत पासे चले गए और जड़ा है कसम شدید مذمت بھی کی تھی حکومت کی بلکہ پی ڈی ایم نے اس رویے دی اور ساری پریس کانفرنس سب تو زیادہ اثر کی تھی کہ انہوں نے اس جارحانہ حکومت دے اور بخلاق دے رویہ کہ عمران خان دا دے کہ کنٹینر دے ساو جلسے کرو لیکن اجو کنٹینر انہاں دی رکاوٹ اس تے لگا پی اسیں شدید مذمت کی تھی ساری ملتان دی ریلی پی ڈی ایم دے خلاف نکلنا دی جڑے لوگ آدم کے لاہ بھی لوگ انہیں چاہ کے دیکھو اگر ہزاروں سینکڑوں لوگ نظر آئیں تو بل سمجھائے کہ تحریک زندہ ہے اس دھرتی کے سکون زندہ ہے اس ماں حالے اپنے حیرت مان سکون جب انہوں نے چھوڑ دیتے گئے جڑے کا جواب تھا پچھر پکڑ گئی اپنی ماں دھرتی کی آواز کیسے ہیں راشد عزیز کے پوتر بھی زندہ ہے سوچا دھرتی باز سے جوان بھی زندہ ہے سوچا دھرتی باز ہمیشہ کلیم کر دیے کہ اساں ادبی تحریک ہے میں ہمیشہ انہاں نال بے ادبی کرنا کہ میں تو ہوں सिर्फ अदबी तहरीक नहीं बनेगा दूसरा सराय की मजहब की तहरीक भी हो सराय की सियासी तहरीक भी हो क्योंकि लॉन्ग मार्च जिसमें तो सामने शाना बशाना करो कोई भी मजहब की काट होते हैं तकरीब होती है सोचे धरती पास अगर सूफी का जो मान साहब को अपना सर रास्ता दिए तो वाले आपने सिर्फ अदबी नहीं आ सकती ये मजहब की तहरीक का हिस्सा है। मैं सोचे धरती पास को अल्लाह जलाल यहां से स्टेट का था यहां पे मैं और सिर्फ अदबी नहीं बनेगा ये अदबी दलाल सियासी मजहब की तहरीक का हिस्सा है और इंशाल्लाह रासो सारा स्लोगन के चेतक रात अंधारी राशि जंग के सारी जारी राशि और मैं हमेशा इस स्लोगन के नाल इस नजरे के नाल अपने इख्तिताम करेगा कि ऐसा मुसाफिर है सोचना दे यारो ऐसा है सूरज भला ओ बसो ऐसा अजर तो हुसैनी है यारो ऐसा जजीदा मुझे टक्कर सो नारा इस सही भी